आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं जेफ बेजोस को पछाड़ कर। एलन मस्क की वैल्यू, टेस्ला की वैल्यू फेसबुक से ज्यादा है। वो बहुत कम संख्या में कार बनाते हैं, उसके बावजूद दुनिया की 7 सबसे बड़ी कंपनियां, स्क्रीन पर नाम देखिए, इन 7 सबसे बड़ी कंपनियों से ज्यादा अकेले टेस्ला की वैल्यू है। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात, महज एक साल, लास्ट एक साल में $500 बिलियन वैल्यूएशन बढ़ा। क्या ये वैल्यूएशन प्रोडक्ट्स का था? नहीं, ये वैल्यूएशन सपनों का था, ये वैल्यूएशन कन्विक्शन का था, ये वैल्यूएशन विजन का था, ये वैल्यूएशन फ्यूचर का था, ये वैल्यूएशन ब्रांड का था, और ये वैल्यूएशन इलॉन मस्क का था। और आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं जेफ बेजोस को पछाड़ कर। तो यूथ जिनकी पूजा करते हैं, मैगजीन जिनके फोटोग्राफ से भरी रहती है, अखबार जिनके न्यूज से भरे रहते हैं, जिनके ट्वीट से स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, क्या वो इलॉन मस्क परफेक्ट है? सारी कमियों के बावजूद इलॉन मस्क का आज संसार सम्मान करता है और दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर के रूप में उनकी गिनती करता है। यहां तक कि आयरन मैन का कैरेक्टर भी उनसे इंस्पायर हुआ। और लेसन क्या है? आप में कितनी ही कमियां, आप में कितनी ही वीकनेसेस हो, उसके बावजूद भी जब आप अचीवमेंट हासिल करेंगे, दुनिया आपको सलाम करेगी। कितनी भी कमियों के साथ आप सफल हो सकते हैं, इलॉन मस्क से लेकर स्टीव जॉब्स सब इसके उदाहरण हैं। मैं देश के सारे स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, सारे यंगस्टर से, यूथ से कहना चाहता हूं, बिजनेस ओनर बनने की कोई उम्र नहीं होती। महज 12 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने पहला गेम बेच दिया, नाम था ब्लास्टर। कितने में बेचा? $500 में बेचा। कॉलेज पहुंच, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनको पोस्ट ग्रेजुएशन मिला, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका लोग सपना देखते हैं, सारी दुनिया के लोग जहां लाइन लगाते हैं। उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन ठीक से पढ़ाई शुरू होने के पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा खोना पड़ता है। याद रखिए, कुछ बड़ा पाने के लिए बड़ा खोना पड़ता है। और .com की दुनिया में आने के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड छोड़ा और Zipto नाम की अपनी कंपनी लगा ली। आपसे सवाल है, क्या आप अपने सपनों को पाने के लिए कुछ खोने को तैयार हैं? दोस्तों, बुरे दिन किसके नहीं आते। इलॉन मस्क ने X.com नाम की कंपनी खोली, वो कंपनी बाद में पेपाल में मर्ज हो गई और इलॉन मस्क उसके CEO बना दिए गए। पेपाल के फाउंडर्स में झगड़ा हो गया और एक बार जब इलॉन मस्क ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप पर गए हुए थे, पीछे से उनको CEO से हटा दिया गया। वो टूट गए लेकिन बिखरे नहीं, उन्होंने डटे रहने का निर्णय लिया। और जब आप डटे रहते हैं ना, तो किस्मत भी आपका साथ देती है। कुछ दिन बाद पेपाल को ईबे ने खरीद लिया और मानो इलॉन मस्क की लॉटरी लग गई। $165 मिलियन उनके पास आए और यहां से शुरू होता है इलॉन मस्क के जुनून का किस्सा, पागलपन का किस्सा, पैशन का किस्सा, ट्रांसफॉर्मेशन का किस्सा। और दुनिया के आगे का सोचते हैं, और जब वो आगे का सोचते हैं तो अपनी टीम को उसी को अचीव करने के लिए प्रेशर डालते हैं, और उस प्रेशर में कई लोग बिखर जाते हैं और कई लोग वाकई में उस मिशन में सब कुछ झोंक देते हैं, और तब जाके ऐसी चीजों का निर्माण होता है। इसीलिए कहते हैं कि इलॉन मस्क ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है, क्योंकि गोल स्ट्रेच कराने का काम ऑर्डिनरी लीडर कर ही नहीं सकता, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कर सकता है। इलॉन मस्क बिलीव करते हैं आपको हमेशा अपने से बेहतर लोगों को हायर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको चैलेंज कर सकें, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकें, और जहां पर आप सोचने से अटक जाएं, वहां से वो उस मशाल को कैरी कर सकें। और इस चक्कर में उनके आसपास खूब प्रेशर होता है। यदि गलती से किसी तरीके से आप सेलेक्ट हो भी गए, रिक्रूट हो भी गए, तो थोड़े दिन में खुद ब खुद उखड़ जाओगे। एवरीथिंग का क्या मतलब है? जब SpaceX बनी, उनके पास ये मौका था कि पुराने रॉकेट्स के प्रोटोटाइप पर डेवलप, उनके पास ये मौका था कि जो ऑलरेडी मार्केट में पार्ट्स बिक रहे हैं, उनको कुछ को असेंबल करते और कुछ नया बनाते। मस्क ने कहा ये नहीं होगा,
हम प्लेन पेपर की एक शीट पे पेन से ड्रॉ करेंगे और वहां से हमारे रॉकेट का जन्म होगा। हम ना तो मार्केट में अवेलेबल किसी प्रोडक्ट का यूज करेंगे, ना किसी फिलॉसफी का, ना किसी प्रोटोटाइप का, और तब जाके जन्म हुआ दुनिया के सबसे सस्ते रॉकेट्स का, दुनिया के सबसे सस्ते स्पेस ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास अवेलेबल हर थ्योरी को चैलेंज कर दिया। इफ यू आर नॉट फेलिंग, यू आर नॉट इनोवेटिंग। यदि आप असफल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आप इनोवेट नहीं कर रहे हैं। क्रांतिकारी विचार है। इस विचार के बैकग्राउंड में जाइए, टेस्ला में अनेक फेलियर्स हुए। कई बार अनाउंस होता था आज शाम को इतने बजे एक रॉकेट लॉन्च होगा, और चार घंटे पहले पता होता था नहीं, एक प्रॉब्लम आ गई, लोगों का विश्वास डगमगा गया, पैसा लगाने वालों ने पैसा खींच लिया, फाइनेंशियल चैलेंजेस आ गए, ट्रस्ट के चैलेंजेस आ गए। लेकिन इलॉन मस्क ने टीम को कहा, हम सही हैं, फेल होने से मत घबराओ। वो एक विजनरी लीडर की तरह अपनी टीम का कवच बनकर खड़े रहे, और फाइनली बहुत सारे फेलियर्स के बाद $800 बिलियन की कंपनी खड़ी हो गई। वो साफ कहते हैं, यदि आप फेल नहीं हो रहे, इसका मतलब आप प्रयोग नहीं कर रहे। और मैं हमेशा कहता हूं, यदि कोई आपसे कहे कि मैं कभी असफल नहीं हुआ, उसका साथ छोड़ देना, क्योंकि उसने कभी प्रयास नहीं किया। आज मैं आपसे कहता हूं, फेल होना जरूरी है, लेकिन इलॉन मस्क साथ में यह भी कहते हैं कि फेल होने के बाद फीडबैक लेना, फीडबैक लूप का निर्माण करना, और उस नहीं चाहिए, कंपनी में ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, बहुत लेवल्स नहीं चाहिए, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन रखना है, किसी भी लेवल पे इंफॉर्मेशन रुकनी नहीं चाहिए। और इसलिए कई बार उनकी कंपनी में बहुत दिक्कत आए, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता था, ऊपर से नीचे तक किसी को भी किसी के सामने धुलाई पड़ सकती थी। लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी में वही लोग टिके जो सिर्फ आइडियाज का सम्मान करते हैं, एफर्ट्स का सम्मान करते हैं। ऐसे सारे लोग उखड़ के बाहर हो गए जो पदों का सम्मान करते हैं। वो मानते हैं यदि कंपनी को सुपर एफिशिएंट रहना है, और यहां पे अलग अलग किस्म के विचार हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो इलॉन मस्क कह रहे हैं वो सबके लिए सही है, वो उनके लिए सही है क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं। वो मानते हैं सुपर एफिशिएंसी मॉडल के लिए कंपनी में मिनिमम लेयर्स होने चाहिए। सुपर एफिशिएंसी मॉडल का एक और पिलर, वो ये मानते हैं जिस कंपनी में ज्यादा मीटिंग हो रही है वो कंपनी धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सोचने वाले ज्यादा लोग हो जाएंगे, करने वाले कम लोग हो जाएंगे। मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने भी यही कहा, दुनिया के इस रिचेस्ट लीडर को आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसको पैसे से भी बहुत प्यार नहीं है। ये कहता है मैं मार्स में कॉलोनी बनाना चाहता हूं ताकि कल को धरती पर कोई क्राइसिस आए तो लोग मार्स में जाके रह सके। ये कहता है मैं धरती में सारे ऐसे ट्रांसपोर्टेशन जो बहुत पेट्रोल डीजल इस तरीके के फ्यूल्स को कंज्यूम करते हैं, वातावरण को पॉल्यूट करते हैं, मैं उन सब को खत्म करना चाहता हूं, पूरी धरती को फॉसिल फ्री करना चाहता हूं फ्यूल्स के नाम पे। कौन सी वो अचीवमेंट्स हैं जिसकी वजह से दुनिया उनको सलाम ठोकती है, यूथ चादर पर उनकी फोटो लगाकर सोता है ताकि थोड़े बहुत गुण आ जाए। सबसे बड़ी अचीवमेंट, पहली अचीवमेंट थी टेस्ला। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया। क्यों? क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना है कि हम एनवायरनमेंट को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। और विश्वास कीजिए, जितनी टेस्ला कारें बढ़ती चली जा रही है, उतना वहां पर एनवायरनमेंट पर लोड कम होता चला जा रहा है। वो इतनी एनर्जी बचाती है। और टेस्ला कार पहले काफ़ी महंगी आई, फिर वो सस्ती आई, फिर सारे यूएस में जैसे जैसे चार्जिंग स्टेशन बढ़ते चले गए, टेस्ला का प्रभाव, टेस्ला की क्रांति बढ़ती चली गई। तो सबसे पहला टेस्ला। दूसरी बड़ी अचीवमेंट गीगा फैक्ट्रीज। अब चूंकि टेस्ला बैटरी से चलती है तो इन्होंने क्या किया, गीगा फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी ह्यूज फैक्ट्रीज लगा दी जो लिथियम आयन की बैटरीज बनाती है। और ये लिथियम आयन की बैटरीज किस में काम आती है, टेस्ला में काम आती है। खास बात क्या है पता है, पूरी की पूरी फैक्ट्री, बहुत ध्यान देना मेरी बात पे, पूरी की पूरी फैक्ट्री सोलर पे चलती है और विंड पावर पे चलती है। जो व्यक्ति इतनी कद्र करता है पृथ्वी की, जो पृथ्वी को बचाने के लिए 50 और 100 साल आगे की सोचता है, आने वाली जनरेशन उसको सलाम करेगी, सलाम। तीसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट स्पेसएक्स, स्पेस ट्रेवल कंपनी। अरे किसी ने कभी सोचा था कि रीयूजेबल रॉकेट बनेंगे? ये तो ऐसे ट्रांसपोर्टर बन गए
कि यहां से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सामान छोड़ते हैं और वहां से लेके आते हैं अंतरिक्ष के ट्रांसपोर्टर। आप जानते हैं इसके पहले रॉकेट्स बनते थे वो रियूजेबल नहीं होते थे, उनको ले जाकर समुद्र में गिराना पड़ता था, पूरे समुद्र का इकोसिस्टम धराशायी हो जाता था काफी दिन के लिए उस जगह का। इलॉन मस्क इसके सख्त खिलाफ थे, सब हंसे, नेसा ने बोला ये तो हो ही नहीं सकता। आज दुनिया उनकी ग्राहक है, यहां तक कि नेसा भी अंतरिक्ष में सामान ले जाने के लिए इलॉन मस्क के रॉकेट्स का यूज कर रही है। और आखिरी पागलपन कह लें, जुनून कह लें, इनोवेशन कह लें, द बोरिंग कंपनी। और सपना क्या, हाइपर लूप बनाना है, और जो वैक्यूम में इतनी तेज गति से जमीन के अंदर एक शहर से दूसरे शहर लोगों को लेकर चला जाएगा, फास्टेस्ट होगा, लो एनर्जी रहेगा, सोलर से चलेगा। और लोग चक्कर खा गए हैं, जहां पर लोगों का सोचना खत्म हो जाता है वहां पर इलॉन मस्क का सोचना शुरू होता है।